कि आप 60-40 के समर्थक हैं कि 1932 के समर्थक हैं। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, कोर्ट कौन क्यों जाते हैं आप लोग, कोर्ट कचहरी क्यों करते हैं आप लोग? अब आ गया, आ गया। आप रमेश सावदा कमलेश जी, कमलेश जी अध्यक्ष महोदय, मैं इनके सभी सवालों का जवाब देने के तैयार हूँ। हमारी पारी भी आएगी अध्यक्ष महोदय, और मैं बोलूंगा ही, और ये भागेंगे भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा हथियार का जखीरा इन्हीं लोगों ने रखा है। क्योंकि देश का सर्वोच्च कहा जाए कि देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान, सभी लोगों के विषय में जो चर्चा होती है, लोकसभा आज के दिन में बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है। और मुझे लगता है देश का पहला इतिहास ऐसा है, चल रहा है, जहां सत्ता पक्ष ने ही लोकसभा को हाईजेक कर रखा है। और आज, और ये जो हमारे विपक्ष है यहाँ पर, ये उसी चीज को यहाँ पर भी दोहरा रहे हैं। अध्यक्ष होता है, आप देख रहे हैं विगत शुरुआत से लेकर आज सेकंड लास्ट डे है सदन का, ना इनके पास कोई विषय है, ना मुद्दा है। अब इनको अध्यक्ष महोदय, कल जो कल का सदन हुआ, वीडियोग्राफी करके इन लोगों ने जो तमाशा किया यहाँ पर, अध्यक्ष महोदय इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये वाजिब है, ये 5 किलोमीटर की जो परिधि है, पहले तो यहाँ शायद 10 किलोमीटर रखने की बात हो रही थी, लेकिन किसी तरीके से 5 किलोमीटर हुआ अध्यक्ष महोदय। लेकिन 5 किलोमीटर भी अध्यक्ष महोदय छोटा मोटा ये नहीं है अध्यक्ष महोदय। और चूंकि यहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन ही बहुत अपने आप में अलग है, तो इस विषय पर चूंकि आप केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है, और हम लोगों ने भी ये मंशा बनाया है कि इसकी परिधि घटाई जाए, अब वो मानेगी कि नहीं मानेगी, क्योंकि अभी जो केंद्र और राज्य की जो रिश्ते हैं, इसको लेके जो चर्चा चल रहा है देश में अध्यक्ष महोदय, वो तो सर्वविदित है। लेकिन सरकार ने ये माना है कि ये जो 5 किलोमीटर की परिधि है वो बहुत अधिक है, उसको घटाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में जो कर्नाटका गई है, मैं उस विषय को दिखवाता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो उसमें इंटरवेनर भी हम लोग भी उसका पार्ट बनेंगे अध्यक्ष महोदय। कमलेश जी, कमलेश जी, जवाब देना चाहते। अच्छा बैठिए, आप लोग अस्थिर से बैठ, ऐसे दबाव से नहीं होता है जवाब, दबाव से जवाब नहीं होता। ये बताइए,